देखो बेटा थर्मल कंडक्शन की लिखे ऐसी अपन लिखे ऐसी कुछ अच्छा वाले कुछ नहीं सही फिर वही लिखो वाले लिखो थर्मल कंडक्शन इट इज ए प्रोसेस इन विच It is a process in which heat is transferred from one point to another point within a medium without any transportation of matter without any transportation of matter Without any transportation of matter. तो बिना matter दी transportation दे जो energy अगे बढ़ रही है ना तो इदे पिछे कारण की है It happens due to vibrations of the particles in the medium. The materials which heat is transferred easily are called good thermal conductors for example metals And the materials through which heat is transferred with
डिफिकल्टी मुश्किल देना आर कॉल्ड बैड थर्मल कंडक्टर्स और बैड थर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं थानू पता होना चाहिए कौन कौन आ जाता है वुड आ गई रबर ग्लास लिक्विड्स एंड गैसेस अच्छा हुन कल जिस तरह आप गल कर रहे थी स्टेडी स्टेट ते ट्रांजिएंट स्टेट दी है ना हुन दोबारा टेक्निकली देखन लगे आप देखियो पुत्र मैं थोड़े सामने की करन लगा अगिया एक रॉड है ना और इनू आपा सिलेंड्रिकल शेप च ले लिया जरूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल शेप च ही होए तो सिलेंड्रिकल शेप च लेने का मतलब है कि थ्रू आउट मतलब अलोंग द लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा यूनिफॉर्म हुन बेटा एक गल तो सानू पता वा जनरली कि जेडी हीट है ना उन्हें हमेशा ट्रांसफर होना किधरों किधर हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर समझ गए हीट ने हमेशा ट्रांसफर होना से मैं थानू कहना कि बेटा इस रॉड दे विच आ हीट ट्रांसफर हो रही तो तुसी समझ जाना भी आइडा एंड है ये हायर टेंपरेचर दे है तो जे मैं इसका टेंपरेचर T1 लिखना और आ टेंपरेचर T2 तो T1 T2 जो ज्यादा केड़ा होएगा हम T1 तो T2 लिख सकते हैं ना अच्छा हुन जदों इस सब्सटेंस जो हीट जा रही है ना पास कर रही है तकी हो रहा शुरू च स्टार्टिंग च दो फिनोमेना होंगे एक की जड़ी हीट पास कर रही है वो अग्गे भी बढ़ेगी ट्रांसफर भी होएगी प्लस जिस मीडियम जो हीट अग्गे जा रही है लग रही है वो हीट मीडियम दा हर हिस्सा उस हीट दा कुछ पार्ट की करेगा एब्जॉर्ब करेगा हुन इस गल नूं समझाण लई देखो मैं की करदा ये जड़ी रॉड है असी अज्यूम कर लेने हैं कि कादी बनी हुई है स्मॉल एलिमेंट्स तो छोटे छोटे टुकड़िया तो मिलके बनी है तो उदे लई मैं की करदा इन्हें किन्ने टुकड़े करिए दो भी हो सकते चार भी छे भी अठ दस भी तीस हो है ना तो जिन्ने ज्यादा इहदे पार्ट्स करदे जावांगे हर पार्ट की लंबाई छोटी हुंदी जानी तो आप ज्यादा नहीं करना सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी लिए मैं की करन लगा पहला पार्ट दूसरा तीसरा चौथा से साथी पार्ट हो गया ना सेवन पार्ट्स हुन बेटा क्या तुसी देख सकते हैं समझ सकते हैं कि जेड़ा फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इन हर पार्ट्स दे विच जेड़ी हीट ट्रांसफर है केड़ी डायरेक्शन च हो रही है इस तरफ ही हो रही है अच्छा हुन ध्यान दियो अगर मैं कहां इस पार्ट दी गल करा कि जेड़ा फर्स्ट पार्ट है ओदा लेफ्ट एंड किन्ने टेंपरेचर ते है T1 तो आ जेड़ी लाइन है एक ही है फर्स्ट पार्ट का राइट एंड हो गया ना तो इसका टेंपरेचर की होएगा सपोज सिर्फ समझाने लिए मान लो इसका टेंपरेचर है T3 तो T1 T3 जो ज्यादा केड़ा होएगा T1 ज्यादा होएगा ठीक है अच्छा
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਹੀਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਲ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਚ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੀ ਵਨ ਹੈ ਆਹ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਹੈ ਟੀ ਫੋਰ ਹੈ ਟੀ ਫਾਈਵ ਹੈ ਟੀ ਸਿਕਸ ਹੈ ਟੀ ਸੈਵਨ ਹੈ ਟੀ ਏਟ ਹੈ ਟੀ ਟੂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੋ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਏਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਤੋਂ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਚ ਪਰ ਵਾਂਸ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਚਡ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਟੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਡੀ ਥ੍ਰੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਟ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹੁਣ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੋ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਰਪਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਓ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਚ ਪੁੱਤ
सिस्टम दे जो सिस्टम जो हीट लंघ रही है स्टेडी स्टेट आ चुकी है ता सिस्टम दे डिफरेंट पोर्शंस दा टेंपरेचर डिफरेंट होएगा पर कांस्टेंट होएगा सेम नहीं मैं कह रहा सेम हो जाएगा मैं ये नहीं कह रहा T3 डबल डैश दे T4 डबल डैश बराबर नहीं हो गए सो ज्यादा गिरा हुआ ज्यादा इतने भी इतना ही है पर एक टाइम दे नाल की हो रहा सी चेंज पर इतने कांस्टेंट्स आ गए ना तो स्टेडी स्टेट के दौरान सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही है मीडियम च एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो असी जदों भी थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना तो असी की मान के चलना कि केड़ी स्टेट आ चुकी है स्टेडी स्टेट हैज बीन अटेन्ड और रीच्ड तो ये शब्द बार बार थ्योरी च भी पढ़ूंगे मैं भी बोलांगा तो उसका मतलब यह है कि जदों सिस्टम च हीट ट्रांसफर हो रही है बाय ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਹੀਟ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਚ ਕੀ ਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਬਣਾਏ ਅੱਠ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਛੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤਿੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਈਸ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਦ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਗੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
से ना एक टर्म आएगी बार बार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हम देखियो इधर, कोशिश करियो गल समझन दी। टेंथ क्लास की में भी जो थोड़े सामने ना इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस होंदा, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की कही जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज, या दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज का। की नाम है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, करंट मीन्स फ्लो, टू फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब फ्लो करना। हुण इथे चार्ज है, इथे की है हीट, तो इहदा मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड की कह सकते हैं हीट करंट। हीट करंट एक सेकंड कितनी हीट फ्लो हो रही, रेट ऑफ फ्लो। या थर्मल करंट, थर्मल करंट। तो थर्मल करंट हीट करंट का जी मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट टाइम। अच्छा दोबारा आओ, जिहड़ा इलेक्ट्रिक करंट है उहदा सिंपल असी यूज कर लेने हैं आई, है ना। और रेट ऑफ फ्लो का मतलब होंदा चार्ज नू टाइम दे नाल की करना डिफरेंशिएट। हुण इत्थे क्यू दा मतलब चार्ज है ना। हुण इहदा मतलब इत्थे हीट करंट है, हीट करंट दा की सिंबल लिखिए आई एच कर दिंदे आ। एच मतलब हीट वाला करंट, सिंबल ही बनाना किहदे बराबर स्मॉल क्यू। अगर चार्ज लई सिंबल लिया सी असीं कैपिटल क्यू काहदे लई लिया हीट लई। तो dQ by dt की है heat current, rate of flow of heat, amount of heat flowing per unit time, amount of heat flowing per second, इधर मर्जी समझी जाओ। तो एक गल्ला नूं पहला mind दे विच fix कराया करो, फिर अगले steps आने लग दे। तो एक comparative study दस रहा सी ना ता करके आया। अच्छा अगर बेटा अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखना वा, ताकि हूं आई बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो इन मैं हेडिंग दे देना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब हुण असीं इक ओ आइडिया डिवेलप करन जा रहे हां जिहदे नाल पता लग जाएगा कि जो फिनोमिना थर्मल कंडक्शन है पता की हुंदा। फ्लो फील्ड तां हुंदी है, होर कन्वेक्शन भी होर ची यही हुंदी, फर्क की है तो कन्वेक्शन की सी हीट ट्रांसफर हो रही सी ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ए कंडक्शन च पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे बट वो हीट नु ट्रांसफर कर रहे, है ना। हीट की है काइंड ऑफ एनर्जी है, इनू इतना समझ लो जितना मर्जी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जोड़ के देखिया करो, इमेज बनाया करो। मान लो 10 आदमी लाइन च लगे है ना, लाइन लगी
ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨੀ ਨੋਰਮਲ ਵੇ ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੋਰੀ ਦਸਵੇਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਠਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਾਲਾ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਈ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲਿਆ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੌਵੇਂ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਅੱਠਵੇਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਬਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਤੋ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚ ਮੈਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਤੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਮਾਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਗੁੱਡ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲਈ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੋ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ dx ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ ਲੈਫਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਗੈਪ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ dx ਛੋਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ dt ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਾਈਟ ਦਾ t ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਦਾ t + dt ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਦੱਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਡੀ ਟੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਦੂਸਰਾ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी पर सेकेंड. तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डीएक्स. ठीक है, हूं पुत्र हुंदा की है देखो, क्योंकि थर्मल कंडक्टर दे अंदर जो हीट फ्लो करती है ना, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही, जिस डायरेक्शन च हीट ट्रांसफर हो रही, तो इस डायरेक्शन च अगे बढ़न ते टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज? डिक्रीज. इस करके माइनस साइन लगा देते, लगा के भी चल जाएगा, बिना लगाए भी चल जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना. पर जब एक्सप्रेशन जो माइनस साइन देखोगे तो उसका मतलब ये है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट टेंपरेचर डिक्रीजेस, कट रहे हो. अच्छा, हुन जब तुम इसे कंबाइन कर लोगे, ऑन कंबाइनिंग डी क्यू बाय डी टी क्या आएगा? ए dt by dx minus, है ना? proportionality sign नो हटा के की लिखते हैं पुत्र. तो इतने constant के ना लिखा जाएगा कि k लिखा जाएगा, where k is called coefficient of thermal conductivity. ये एक्सप्रेशन बिना नेगेटिव साइन दे भी लिख सकते हैं, तो विद साइन नेगेटिव भी. नेगेटिव का सिर्फ इंपॉर्टेंस की है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट टेंपरेचर डिक्रीजेस. और नोट करके लिख लेना, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्ट, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स. उसे गल नूं अलग तरीके नाल याद रखने का, different for different, the value of coefficient of thermal conductivity depends on nature of material, it is different for different materials. और तीसरा की नोट करके लिख सकते हैं, for good thermal conductors, जिधे good thermal conductors हैं, उन्हें दे लाई K will be large, है ना? Large ज़्यादा, जेड़े बढ़िया thermal conductors हैं, तो K ज़्यादा, जेड़े bad thermal conductors हैं, जेड़े bad thermal conductors हैं, वो good thermal insulators हैं, जेड़ा conductor नहीं है, माड़ा conductor है, बढ़िया insulator है, उल्टा होता ना, conductor का उल्ट insulator. तो फॉर बैड थर्मल कंडक्टर्स ब्रैकेट लिख सकते हैं, और फॉर गुड थर्मल इंसुलेटर्स के इज वेरी स्मॉल. अच्छा, हूं आओ बोलते, तो ये एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए. अच्छा, जे मान लो पता की कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, क्योंकि ये चीज़ dt dx टर्म यूज़ कर रहे, तो dt by dx नूँ ना ऐसी कॉमनली इकट्ठे भी कह सकते हैं जॉइंटली टेम्परेचर ग्रेडिएंट, टेम्परेचर ग्रेडिएंट.
अपन कोई कहे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट की बनेगा, घबराना नहीं। हाँ देखो लेफ्ट साइड पे की है हीट से टाइम जूल पर सेकंड है ना, आ की है के नु मैं के रहने देता, एरिया स्क्वायर मीटर, मीटर डिस्टेंस मीटर है और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन है। लो इतना ऐसा यूनिट आ गया ना, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकंड की जगह वॉट भी लिख सकते हैं। है ना, लिख सकते कि नहीं? हम ये फार्मूला जेड़ा वा इन जनरल अगर आप अप्लाई करना तो du by dt is equal to minus ka dt by dx। dt की है उधर जेड़े दो एंड्स दे विच तुसी दसना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना वा, एक सेकंड च कितनी हीट जाती है, उन दो एंड्स का ही टेंपरेचर डिफरेंस है dt, और dx की है उन दो एंड्स दे विचली दूरी है और एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब मैं ये गल याद रख ली हूं इन आप जो अभी कहने कॉम्पीटिशन की गल आ गई, न्यूमेरिकल्स की गल आ गई, तो इस तरह सॉल्व करना। हूं देखो पहला क्योंकि तुसी लोगों ने करंट बारे पढ़िया होया, रेजिस्टेंस बारे पढ़िया होया है ना, रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल भी पढ़े पढ़े, पूछा याद है कि नहीं है, उन्हें भी पूछ रहा पढ़े हुए है ना, जिन्हू याद है तो बढ़िया गल है। तो जदों तुसी पुत कंपैरिजन करके देखियो यार, जे थानू कुछ कुछ याद होए आ देखियो, अगर मैं थानू कहां कि बेटा आ थोड़ी ना एक मेटल वायर है, मेटल वायर मैं हूं करंट वालों आन लगा, और थानू मैं कहां पुत इस मेटल वायर च करंट लंघ रहा आई, आई की है इलेक्ट्रिक करंट। करंट होंदा क्यों है, फ्लो ऑफ चार्जेस करके चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस करते है ना, और ओते तुहानू शायद याद आ जाए ओते आपां कहंदे आ आ जिहड़ा मेटल वायर है इहदे दोनों एंड्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस है v, v इज पोटेंशियल डिफरेंस आई करंट इहदे कहंदे। अच्छा जे मैनू कोई कहे इहदी रेजिस्टेंस दसो किन्नी होएगी, रेजिस्टेंस तां तुसीं कहंदे आ v नूं i नाल डिवाइड कर लो, किसी भी मटीरियल दी जी रेजिस्टेंस मैं दस रहा ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट की गल कर रहे सी, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कटन का बेसिक फार्मूला की है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, यही है। अच्छा हुण ध्यान दियो मैं इतने गल रोकती हूं मैं थोड़े नाल गल करन लगा वा थर्मल कंडक्टिविटी, समझेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी कुछ इदा ही मैं बनाया सी भी आ साडे कोल एक कंडक्टर है इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इहदी लंबाई मैं dx ले ली सी इदा ही क्या सी, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq / dt इदा ही क्या सी कि नहीं, और इन दोनों एंड्स दे विच की दसे असी पोटेंशियल डिफरेंस के टेंपरेचर डिफरेंस, टेंपरेचर कितना कितना dt, तो d
डी क्यू बाई डी टी स्टार्टिंग की दस के आया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की कह सकते हैं हीट करंट थर्मल करंट तो डी क्यू बाई डी टी आप कहता हीट करंट माइनस माइनस तो सिर्फ कहते लिए वेव समझा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट टेम्परेचर घटता वो मैं नहीं लगा की है टेम्परेचर डिफरेंस चेंज इन टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस dx लिखता लिखता हूं ध्यान दे जे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नू इलेक्ट्रिक करंट नाल डिवाइड करके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ सकती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह की आ गया टेम्परेचर डिफरेंस करंट आ गया हीट करंट हम देखो इधर इन आप लिख सकते हैं डी टी IH, तो आ मैं उल्ट इधर ले गया dx ओवर इधर लिखना कि नहीं लिखता तो टेम्परेचर डिफरेंस ओवर हीट करंट की हो रेजिस्टेंस ही हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो रोल किधर बार पोटेंशियल डिफरेंस का कंडक्टिविटी चो ही रोल टेम्परेचर डिफरेंस का है ना और ओके पोटेंशियल डिफरेंस करके केड़ा करंट होता इलेक्ट्रिक करंट इतने टेम्परेचर डिफरेंस करके हीट करंट तो इला मतलब जे वी ओवर आई रेजिस्टेंस हो सकती इलेक्ट्रिक तो फिर डी टी ओवर आई एच की हो सकती दिस इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस एडी रेजिस्टेंस तो एडा सिंपल आप ले लेना आर एच है ना आर एच तो एडा मतलब जिस भी सब्सटेंस च हीट फ्लो कर रही है ड्यू टू कंडक्शन तो उदी थर्मल रेजिस्टेंस कटन का फार्मूला की आ गया पुत्र 1 बाय के डी एक्स बाय ए आ गया पहले इतने पहुंच जाओ नोट करके लिखना नोट हेडिंग नहीं कोई देना हाले या हेडिंग दे सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कंपैरिजन चाहिए ना थर्मल रेजिस्टेंस कर लो कल की टाइमिंग से हाँ दोनों कंपेयर करने लिए बना लो ना कल की ट्यूशन का टाइम 10:30 थर्मल रेजिस्टेंस हो सकता लिखन अलग फार्मूला लगे पर हमने देखियो नौवीं दसवीं की गल करनी फिर आप करंट जो पढ़ते करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर आओ तुम याद है कि जो तुम कोई कहता सी कि आ एक मेटल वायर है और लेंथ है एल एरिया क्रॉस सेक्शन है ए
की है उसकी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कल 10:30 रख लेंगे तो मैसेज पा देना, देखो कितनी देर थी पिछली बार, बस नहीं रखा। देखो अगर थोड़े सामने एक मेटल वायर होए जिसकी रेजिस्टिविटी होए रो, जिन्हें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहने हैं, और वायर की लेंथ होए एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होए ए, ता रेजिस्टेंस कटन का फार्मूला, वायर की रेजिस्टेंस कटन का फार्मूला इधर ही सिर्फ है रो एल बाय ए, याद है कुछ है ना? अच्छा रो की है रेजिस्टिविटी, एक होंदा रेजिस्टिविटी का उलट कंडक्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी है ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ओदा उलट की है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो सिग्मा 1/rho, और इधर लिख लेना रो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ये सिग्मा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो मैं हाले 9th-10th की गल कर रहा, तो आ देखो तो थोड़ी वायर की रेजिस्टेंस सेम फार्मूला, जिस तरह किसी वायर की, वायर मीन्स कंडक्टर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, उतना ही इतने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उतने सिग्मा की है इलेक्ट्रिक कंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्योंकि जड़ी ज्यादा चीज यूज होती है ना उसका नाम छोटा कर लेते हैं आप, और कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आप ज्यादातर के ही डील करते हैं इलेक्ट्रिक, इस करके असी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं बोलते, कला रेजिस्टेंस को मतलब ही असी समझ जाते हैं वोल्टेज ओवर करंट वाला काम है ना। पर जो असी आप देखा कि रेजिस्टेंस कई तरह की हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, उसके फिर सामने नाल बोलना पैना। तो हुण देखो तो एक गल भुलनी नहीं है, नहीं भुलनी कि कोई भी जड़ा थर्मल कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला केड़ा वा, जिहड़ा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर की कैलकुलेट करांदा होंदी है। बस थोड़ा जिहा फर्क की पाता सी कि उत्ते कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक का सिंबल सिग्मा रखिया सी, इत्थे के कहता, इत्थे थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा दी जगह के करता वा, होर कुछ नहीं है ना, इत्थे पैरेलल कंपैरिजन। अच्छा हुण जदों मैं ये गल्लां सारियां सिख लईआं तां इस चीज का मैं फायदा लेना कि मैं इलेक्ट्रिक करंट बारे रेजिस्टेंस बारे, क्योंकि थोड़ा बहुत मेनु आइडिया सी है ना, उहदे नाल कंपेयर करके सानू गल नू डाइजेस्ट करना अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता। ईजी कितना होता हम तुहानू याद है कि अगर तुहानू कोई कहे पुत कि अगर आप दो रेजिस्टर्स है, याद है, तो ये दोनों सीरीज है के पैरेलल सीरीज है, की पहचान होगी सीरीज सिंगल पाथ, एक कोई रास्ता प्रोवाइड होना। हुन ये दोनों क्योंकि सीरीज है ता जिन्ना करंट पहले च एंटर करना उन्हें दूसरे च जाना पैना, मजबूरी है ना। अच्छा अगर मेनू कोई कहे
इना दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है सीरीज तो तुम्हें याद होएगा तुम कहते आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस करते हैं याद है ना अच्छा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक एंड का पोटेंशियल ज्यादा होएगा दूसरे का घट होएगा ता ही डिफरेंस आएगा है ना किसी भी रेजिस्टर के करंट को कितना लिख सकते हैं तुसी लोग पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस लिखता ये गल याद रखनी है जिस तरह हीट की डायरेक्शन होती है हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर उतना ही करंट की डायरेक्शन भी की होती है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखनी गल तो आ गया आ गया अच्छा जे मैं कोई कहे R2 का करंट कितना होएगा वो भी आई होएगा पर ए आई कितना कटया जाऊगा VC माइनस V2 ओवर R2 होना दोनों सेम है बीसी कट सकते वैल्यू मतलब आप पोटेंशियल कटिया जा सकता कटिया जा सकता है किड़ा फार्मूला लगा के इन मैनिपुलेट कर देना क्योंकि आप पता है पढ़ नहीं रहे टॉपिक ये तो सिर्फ समझा ले है अच्छा दोबारा देखियो आज का रिलेशन है ये सीरीज ले है मान लो ये दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है ये सीरीज चल के पैरेलल चल पैरेलल चल कितना पता लगा हाँ वहाँ देखियो क्योंकि ए को लेके बी तक मैं पूछा ए और बी दे बीच जेड रेजिस्टर्स का सीरीज चल के पैरेलल तो ए को लेके बी तक जब मैं देखता डायग्राम हूँ तो ए के ऊपर दो रस्ते बन जाते अलग और बी दे आके वही जुड़ गए वो दोनों रस्ते पैरेलल च हुन जे तुहानू कोई कहे कि ए तो करंट चलिया सी आई ए तो करंट चलिया सी आई हुन आ डॉट ते पहुंच के करंट कितना दो हिस्सों च डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आई वन ते आई टू है ना और I2 करंट और I1 करंट इस डॉट से मिलके फिर आगे कितना करंट होएगा I बढ़ेगा तो इतने I की वैल्यू भी है इधर बराबर है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दे विच जेड़ा टोटल करंट होएगा उस सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स समझेंगे आ केड़ा कॉम्बिनेशन है सीरीज सीरीज दे विच
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना? वी वन माइनस वी टू। इस पोटेंशियल डिफरेंस को इधर लिख सकते हो तुम? इधर लिख सकते हैं। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के इधर सीरीज कॉम्बिनेशन दे फर्स्ट पार्ट था यहाँ की नोट की था कि सीरीज कॉम्बिनेशन च टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की होता हर रेजिस्टर दे पोटेंशियल डिफरेंस का सम है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की होता सीरीज दे विच लगे हर एलिमेंट दे पोटेंशियल डिफरेंस का सम दे बराबर। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन च टोटल करंट की होता हर एलिमेंट च पास कर रहे करंट का सम। इतने करंट का सम है टोटल करंट, इतने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का सम है। अच्छा हम दोबारा सुनियो, इतने जब वो पूछे भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी टोटल करंट कितना, वो आई है इधर बराबर हर एलिमेंट के करंट के बराबर। और इतने पोटेंशियल डिफरेंस जितना टोटल है, टोटल मतलब ए टू बी तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आर वन च है वही आर टू च है ना। ये गल याद रखनी है कि किस कॉन्टेक्स्ट च मैं गल कर रही हूं, थर्मल वाले केस च। पर उत्थे तक पहुंचने लिए आपां इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स वाला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन याद होंगे तो उसको डील करना ईजी हो जाएगा। ठीक है फिर रुकने हैं, कल इसको आगे चलना, कल इसको खत्म करना है। नाल ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ